नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं मलेटा के बारे में। मलेटा एक छोटा सा आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, जिन्होंने हाल ही में एक रेफरेंडम कंडक्ट किया है अपनी स्वतंत्रता के लिए। आप न्यूज देख सकते हो यहाँ पे, सोलोमन आइलैंड प्रोविंस इट अनाउंसेस इंडिपेंडेंस वोट। और यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज देखने वाली है, अमिड दी चाइना टेंशन। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मलेटा है कहाँ पे, सोलोमन आइलैंड्स है कहाँ पे, क्या इशू है, क्या इसमें चाइना का एंगल है। और एंड में हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में देयर इज अ लॉट ऑफ क्राई अबाउट इंडिपेंडेंस। तो हम लोग इसके बारे में एक व्यापक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सहवांकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज के लिए। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर हैंडल rahulsai_SIQ study IQ। अलॉन्ग विथ इट, स्टडी आई क्यू हैज ब्रॉट यूपीएससी मेन्स कॉम्पिटेंस प्रोग्राम फॉर 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन डाउनलोड दिया। तो जैसे कि मैंने बताया आपको खबर की जो सोलोमन आइलैंड्स है उसका लार्जेस्ट प्रोविंस जो है इट इज मलेटा। और मलेटा ने क्या किया है, उन्होंने कहा है ये कि हम लोग एक रेफरेंडम जारी करेंगे, हम लोग एक रेफरेंडम वोट करेंगे, जल्द से जल्द इस वोट को हेल्ड किया जाएगा। क्यों? ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाए सोलोमन आइलैंड से। सोलोमन आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जिसका प्रोविंस या समझ सकते हैं एक राज्य है मलेटा। मलेटा की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 2 लाख। वो कंट्री के सोलोमन आइलैंड्स के ईस्टर्न साइड में आता है और वो लोग जल्द ही एक रेफरेंडम कंडक्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो सोलोमन आइलैंड्स कहां पे हैं और ये मलेटा आइलैंड्स कहां पे हैं। अगर आप इस मैप को जूम करेंगे, हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया यहां पर है, ऑस्ट्रेलिया से नॉर्थ ईस्ट साइड आप जब देखोगे वहां पे आपको मिलेगा सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड्स इज दिस एंटायर प्लेस सोलोमन सी के बगल में, साउथ पैसिफिक पास आता है। सोलोमन आइलैंड जो है, दिस सेंटर आइलैंड इज दिस, जिसकी कैपिटल सिटी है होनियारा। सो कैपिटल सिटी ऑफ सोलोमन आइलैंड्स इज होनियारा। और अभी जो रेफरेंडम के लिए जा रहा है वो है मलेटा। ये आइलैंड है, मलेटा की कैपिटल सिटी है ओकी। और मलेटा ने अभी कहा है कि हम जल्द से जल्द एक रेफरेंडम कैरी आउट करेंगे ताकि हम सोलोमन आइलैंड से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो चलिए अभी देखते हैं इसके पीछे वजह क्या है, वाई द रेफरेंडम। इस रेफरेंडम के पीछे भी चाइना का एंगल है। ये रेफरेंडम का प्लान 1 साल के भी टेंशन के बाद चल रहा है। मलेटा जो प्रोविंस है, जहां पे मलेटा के जो प्रीमियर है डैनियल स्वीडानी और जो नेशनल गवर्नमेंट है सोलोमन आइलैंड्स की, उन दोनों के बीच में तनामनी चल रही है। मलेटा आइलैंड इज प्रो ताइवान, याद रखिए मलेटा आइलैंड प्रो ताइवान है, लेकिन जो सोलोमन आइलैंड्स की सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार है वो प्रो बीजिंग है। इनफैक्ट आप यहां पे देख सकते हो न्यूज, ये काफी पुरानी न्यूज है, पिछले साल की न्यूज है। चाइना हैज एक्सटेंडेड इट्स इन्फ्लुएंस इन पैसिफिक इन दी सोलोमन आइलैंड्स, और उन्होंने ब्रेक कर दिया उसका रिलेशन ताइवान के साथ और अपने साथ रिलेशन जोड़ दिया। तो सितंबर 2019 में सोलोमन आइलैंड की जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने 36 साल पुराना अपना जो अलायंस था ताइवान के साथ उसको तोड़ दिया और चाइना की तरफ एलाय हो गए। तो इस चीज के चलते अभी तनाबनी चल रही है। जो मलेटा के प्रीमियर है, जो प्रोविंस के प्रीमियर है डैनियल स्वीडानी, और जो केंद्र सरकार चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर मनासे सोगवारे। तो आप देख सकते हो मनासे सोगवारे इज क्लोजर टू चाइना वाइल स्वीडानी ही इज क्लोजर टू ताइवान। इनफैक्ट ही वॉन्ट्स गुड रिलेशंस विद ताइवान। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पे। मलेटा जो है उनके पहले से ही ताइवान के साथ क्लोज रिलेशन चलते हैं, काफी डेकेड से चलते हैं, और उन्होंने खंडन किया है जो प्रो चाइना स्टेप्स आए हैं उनकी केंद्र सरकार सोलोमन आइलैंड्स की। ये मलेटन्स जो है वो बिलीव करते हैं कि चाइना एंटी क्रिश्चियन है, और ये ऑल बिलीव करते हैं कि चाइना की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो नॉन डेमोक्रेटिक है और वो इसको स्प्रेड करना चाहते। तो ये तो पहला ही उनका रीजन हो गया। इसके अलावा हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुए जिसकी वजह से मलेटा ने और भी एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है। हाल ही में कोविड की महामारी सब जगह चल रही है, तो सोलोमन आइलैंड्स ने भी अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए। ऑल दो याद रखिएगा सोलोमन आइलैंड्स में कोई केस नहीं है, फिर भी उन्होंने बॉर्डर बंद किए थे। लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो केंद्र सरकार है सोलोमन आइलैंड्स की, जिन्होंने साइन किया है अग्रीमेंट पिछले साल 2019 में चाइना सरकार के साथ, उस अग्रीमेंट के तहत अभी हाल ही में एक डायरेक्ट फ्लाइट आई है ग्वांगजो चाइना से, जहां पे चाइनीज वर्कर्स, चाइनीज एड और कुछ मलेशिया के रिपेट्रिएटेड पीपल को वापस लाया गया है सोलोमन आइलैंड्स में। तो जैसे ही ये चाइना से फ्लाइट लैंड हुआ उसके बाद मलेटा के जो प्रीमियर है डैनियल स्वीडानी, उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि हम एक्सेस, हमारा जो आइलैंड है मलेटा का, हम उसको एक्सेस नहीं देंगे जो भी चाइना से लोग आए हैं उनके लिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम रेफरेंडम होल्ड करेंगे जल्द से जल्द हमारी स्वतंत्रता के लिए।
इसके अलावा मलेटा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मलेटा फॉर डेमोक्रेसी, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए सोलोमन आइलैंड से। उन्होंने ये कहा है कि हम सपोर्ट करते हैं ताइवान को, और एंटी चाइना प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने कॉल किया है मलेटा की जो कैपिटल सिटी है ऑकी में। साथ ही साथ जो ये मलेटा फॉर डेमोक्रेसी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है चाइनीज बिजनेसेस को कि 24 घंटे के अंदर आप अपने बिजनेस बंद कीजिए और मलेटा से बाहर निकल जाइए। तो चलिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि रेफरेंडम काफी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि मलेटा की एंटायर पॉपुलेशन इज विद डैनियल सुडानी। तो अगर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि मलेटा की इंडिपेंडेंस हाईली अनलाइकली है, क्योंकि मलेटा इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सोलोमन आइलैंड्स। इनफैक्ट इट इज टू मच इंटरकनेक्टेड विद द सोलोमन आइलैंड्स, और अपनी इंडिपेंडेंस वो सस्टेन नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मलेटा की है कि वहां पे आर्थिक विकास नहीं है, देयर इज नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनकी जो एंटायर इकोनॉमी है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बेस्ड है। अगर वो एक स्वतंत्र देश बनेंगे क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे? तो विशेषज्ञ कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है या फिर ये अनलाइकली है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए सोलोमन आइलैंड्स और मलेटा प्रोविंस के बीच में, ताकि जो प्रो चाइना स्टैंड उनकी केंद्र सरकार चला रही है उसको मेलो डाउन करे और ताइवान के साथ भी अपने रिलेशंस बनाए रखे। इसी के साथ हम ये देखेंगे कि जो एंटायर एरिया है बहुत ही जरूरी एरिया है आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फोकस कीजिएगा इन चार जगहों पे, क्योंकि ये सारे पैसिफिक ओशन में आते हैं, साउथ पैसिफिक ओशन में आते हैं। पर्टिकुलरली न्यू कैलेडोनिया आप देख सकते हो, न्यू कैलेडोनिया यहाँ पे है, फ्रेंच की टेरिटरी है। न्यू कैलेडोनिया में भी इंडिपेंडेंस की एक मुहिम चल रही है। उसके अलावा वेस्ट पापुआ, जो पापुआ न्यू गिनी है उसके वेस्टर्न साइड में इंडोनेशियन टेरिटरी है अभी फिलहाल वेस्ट पापुआ, जहां पे इनफैक्ट कई दशकों से स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चल रही है। और हाल ही में हमने देखा है कि बुजनविल जो वेस्ट पापुआ की एक टेरिटरी है, बुजनविल जो यहां पे स्थित है, वहां पे भी एक इंडिपेंडेंस का रेफरेंडम हुआ है। उन्होंने तो कहा है कि हम पापुआ न्यू गिनी से स्वतंत्र होना चाहते हैं। और अभी आप देख सकते हो कि मलेटा में भी एक अनाउंसमेंट हो चुकी है, मलेटा सोलोमन आइलैंड्स में, मैंने बताया तो यहां आता है, तो दे हैव ऑल्सो अनाउंस्ड कि रेफरेंडम करेंगे और इंडिपेंडेंस चाहिए उनको सोलोमन आइलैंड्स। तो ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट सो टिपिकल ऑफ साउथ पैसिफिक ओशन? अगर आप इस एरिया को देखोगे, इन आइलैंड्स को देखोगे, यहां पे स्वतंत्रता बहुत लेट आई है। इनफैक्ट स्वतंत्रता टर्म वुड बी रॉन्ग, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म वुड बी डीकोलोनाइजेशन। सो इंडिपेंडेंस तो नहीं, अपने खुद से लड़के नहीं, जो भी विश्व युद्ध दो के बाद डेवलपमेंट हुई है 1950-1960 के दशक में, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी डीकोलोनाइजेशन हुई थी, लेकिन इस एरिया में अभी भी डीकोलोनाइजेशन बहुत ही स्लो हुई है। तो यहाँ पे इसीलिए हम कहते हैं कि देर इज अ यर्निंग फॉर फ्रीडम गोइंग ऑन इन साउथ पैसिफिक ओशंस, एंड प्लीज फोकस ऑन दीज एरियाज फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, प्लीज स्टे सेफ।